ग्रीन भारत क्लीन भारत, पेट्रोल बचाए प्रदूषण घटाए, संपर्क करें 9717074599 पर। जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को रोज नई लॉलीपॉप परोसने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को हुई टाउन हॉल मीटिंग में केजरीवाल ने जनता से एक नया वादा कर डाला। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप सरकार दिल्ली में छात्रों के लिए सफर मुफ्त कर देगी। स्टूडेंट के लिए भी बस का किराया फ्री होना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जरूर करेंगे। महिलाओं के लिए जब किया था तो बहुत चुनाव में जीत के आने के बाद फिर स्टूडेंट्स का भी करेंगे। गौरतलब है कि आप सरकार पहले ही महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर की शुरुआत कर चुकी है और आने वाले समय में मेट्रो में भी उनके लिए यात्रा मुफ्त करने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब चुनाव में कुछ ही समय बचा है, तभी इतनी सारी चुनावी लॉलीपॉप जनता में एक साथ क्यों बांटी जा रही हैं? खैर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या तमाम तरह की सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराना ही विकास की बुनियाद है? क्या इसका भार कुछ समय बाद आम जनता पर ही नहीं पड़ेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब शायद नहीं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए खुशबू शर्मा की रिपोर्ट।